हूं आंचल सिंह और आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल पर। सुशांत सिंह राजपूत मामले में जब से ड्रग्स एंगल सामने आया है, बॉलीवुड में दो धड़े हो गए हैं। एक तरफ ड्रग्स माफिया और मूवी माफिया को बचाने के लिए जया बच्चन सामने आती हूं और दूसरी तरफ जया प्रदा और इनके साथ ही रवि किशन और कंगना रनौत जैसे कलाकार हैं जो ड्रग्स माफिया और मूवी माफिया की लगातार पोल खोल रहे हैं। बॉलीवुड कलाकार वो लोग जो ड्रग्स माफिया और मूवी माफिया का समर्थन कर रहे हैं, वो जया बच्चन का समर्थन कर रहे हैं, लेकिन बॉलीवुड के विश्व पितामा यानी कि मुकेश खन्ना ने जया बच्चन को अब फटकार लगाई है और उन्होंने सीधा सवाल पूछा है कि आखिर जया बच्चन इतना शोर क्यों मचा रही हैं। वहीं पर थाली को लेकर भी उन्होंने बड़ा पलटवार किया है कि किसी ने थाली नहीं परोसी है। वहीं अर्णव गोस्वामी ने दिशा सालियान के मामले में बड़ा खुलासा किया है और इस पर सीधा उन्होंने सवाल बेबी पेंगुइन और पापा पेंगुइन से पूछा है। सीधा पलटवार उन्होंने बेबी पेंगुइन और पापा पेंगुइन पर किया है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं जो प्रतिक्रिया जया बच्चन के बयान के बाद मुकेश खन्ना की आई है। मुकेश खन्ना ने यह कहा है कि मैं आपको एक बात बताऊं, किसी ने बहुत ही सही कहा है कि बॉलीवुड गटर नहीं है। बॉलीवुड में जो गटर है इससे फर्क पड़ता है। कोई भी पूरी इंडस्ट्री की निंदा नहीं कर रहा है, लेकिन एक बुरी मछली पूरे झील को खराब कर देगी। यदि आप इसे ढूंढना चाहते हैं तो आपको पूरी झील को खोजना होगा, तभी आप इसे पकड़ सकते हैं। फिलहाल सवाल जांच का है और अगर कोई कहता है कि जिस थाली में खाए उसी में छेद क्यों करते हो, तो मैं आपको बता दूं कि थाली की बात नहीं हो रही है, क्योंकि थाली नहीं छलनी हो गई है। हम प्लेट के बारे में बात नहीं कर रहे हैं, लेकिन इस पर क्या परोसा जा रहा है इस पर बात हो रही है। सीधा उन्होंने ड्रग्स की बात कही है कि जिस तरीके से बॉलीवुड में ड्रग्स परोसा जा रहा है उस पर हम बात कर रहे हैं और इसका खात्मा होना ही चाहिए। और वहीं पर मुकेश खन्ना ने सीधा सवाल जया बच्चन से पूछा। उन्होंने कहा कि जो जया बच्चन इतना शोर मचा रही, आखिर इतना शोर वो क्यों कर रही हैं। हम ये नहीं कह रहे कि इंडस्ट्री में हर कोई बुरा है, वो कह रहे हैं कि कुछ बुरे हैं कुछ अच्छे हैं, इसलिए हम सिर्फ सवाल कर रहे हैं कि कौन बुरा है और कौन अच्छा है। उसके लिए हमें सीबीआई नारकोटिक्स की जांच की आवश्यकता है। आप विरोध क्यों कर रहे हो? यदि आप अच्छे लोगों में से हो तो बैठें और उनके निर्देश की प्रतीक्षा करें, आप शोर क्यों मचा रहे हो। इसके साथ ही मुकेश खन्ना ने बड़े बड़े सवाल भी दागे। जिस तरीके से पूरे मामले में हम देख रहे हैं कि जया बच्चन ने ड्रग्स माफिया और मूवी माफिया को उनके बचाव में उतरी थी, उसके बाद कई सवाल उठ रहे हैं कि आखिर इतना शोर वो क्यों मचा रही है, आखिर इतनी मिर्ची जया बच्चन को क्यों लगी है। क्योंकि आपको हमने पहले भी बताया कि किस तरीके से बॉलीवुड के साथ जो ऐसे कलाकार हैं रवि किशन और कंगना रनौत, जया प्रदा, मुकेश खन्ना के साथ साथ भोजपुरी के भी कलाकार जो रवि किशन और कंगना रनौत के सपोर्ट में आए, वो ड्रग्स पर बात कर रहे हैं। और वहीं पर आपने देखा कि किस तरीके से जो कुछ भी बॉलीवुड ने पहले किया है आज वो उसी का खामियाजा भुगत रही है। जो नेपोटिज्म जिस तरीके का बॉलीवुड में है, जिस तरीके से एक ग्रुपबाजी वहाँ चल रही है, इसके खिलाफ आवाज़ उठाने की ज़रूरत है और आज जनता इसी के खिलाफ आवाज़ उठा रही है। अब इस मामले पर मुकेश खन्ना ने जया बच्चन का विरोध करते हुए कहा है कि उन्होंने किसी को थाली खाना नहीं परोसा है, इंडस्ट्री किसी की बाप की नहीं है, यहाँ काम करने वाला हर शख्स मेहनत करता है। मुकेश खन्ना ने यह कहा कि इंडस्ट्री सालों से चलती आ रही है, अब इसमें नेपोटिज्म बढ़ गया है, अब इसमें ग्रुपिज्म बढ़ गया है। इस पर अगर रवि किशन ड्रग का मामला उठाते हैं और जया बच्चन पलटकर ये कहती है कि जिस थाली में खाते हो उसी में छेद करते हो, ये बयान हास्यास्पद है। उनका कहना है कि नियम तोड़ने वालों पर जनता की नज़र है, कोई इंडस्ट्री को गटर नहीं बता रहा, सिर्फ जांच की मांग हो रही है, इसलिए जया बच्चन को शोर मचाने की बजाय शांत बैठकर जांच के निर्देश का इंतजार करना चाहिए। इससे पहले हमने आपको बताया कि किस तरीके से जया बच्चन ने राज्यसभा में कितने गुस्से में ये कहा था कि सरकार को समर्थन देना चाहिए और जो लोग बॉलीवुड के खिलाफ आवाज़ उठा रहे हैं उनकी आवाज़ बंद करवानी चाहिए, क्योंकि जो सर्विस है वो सरकार को देता है, सरकार का समर्थन कर रहा है और इसीलिए सरकार को अब समर्थन करना चाहिए। लेकिन ये जो काला खेल चल रहा है बॉलीवुड का, इस पर अगर सरकार समर्थन करती है तो जनता सरकार को भी जवाब देगी और सरकार इस बात को अच्छे से समझ रही है कि अगर वो गलत के साथ खड़ी होगी तो जनता उसके साथ नहीं खड़े होगी। क्योंकि महाराष्ट्र में जिस तरीके से जो महाराष्ट्र सरकार है वो उन लोगों के साथ खड़ी हुई है जो मूवी माफिया और ड्रग्स माफिया के साथ खड़ी हुई है, और इसीलिए जनता उस सरकार का बहिष्कार कर रही है। लगातार महाराष्ट्र सरकार पर उद्धव ठाकरे और संजय राउत पर सवाल उठ रहे हैं, यहाँ तक कि अब जब अर्णव गोस्वामी ने दिशा सालियान मामले में बड़े बड़े खुलासे किए हैं और मुकेश खन्ना ने यह भी कहा है कि एक छोटी सी बात मैं इस पूरे मामले में बोलूंगा कि वो कितनी छोटी बच्ची थी और जिस तरीके से
से एविडेंस सामने आ रहे हैं, कोई छोटा बच्चा भी बता देगा कि वो आत्महत्या नहीं है, उसको ऊपर से फेंका गया है। दिशा साल्यान की हत्या है या फिर आत्महत्या है, सबूत चीख चीख कर बोल रहे हैं, कोई भी आत्महत्या करेगा तो वो इस तरीके से नहीं कूदेगा। वहीं पर मुकेश खन्ना ने यह भी कहा है कि वो पहले से ही कहते आ रहे हैं कि 8 से 14 जून के बीच में अगर जांच होगी, छानबीन की जाएगी, तो सबूत अपने आप मिल जाएगा। दिशा सालन कोई बड़ी स्टार नहीं थी और उनको कभी भी न्याय नहीं मिल पाता। वो तो सुशांत सिंह राजपूत मामले में जब सीबीआई जांच आई और सुशांत सिंह राजपूत की मौत दोनों एक दूसरे से रिलेटेड हैं, उसके बाद ही सीबीआई ने अपने जांच का दायरा बढ़ाया और सीबीआई अब दिशा साल्यान की मृत्यु की जांच कर रही है और अब बड़े बड़े खुलासे हो रहे हैं। और इसी के साथ अर्णव गोस्वामी ने कहा है कि ये जो बड़े बड़े लोग हैं इनमें कितना घमंड है कि अगर कोई सवाल पूछता है तो उनको ये कहेंगे कि ये राज्य को बदनाम कर रहे हैं, अगर कोई सरकार से सवाल पूछेगा तो पूरे स्टेट की ये बात करने लगते हैं, अगर कोई नेपोटिज्म पर, अगर कोई ग्रुपिज्म पर, अगर कोई जिस तरीके से ड्रग्स और मूवी माफिया का गंदा खेल बॉलीवुड में चल रहा उस पर सवाल उठाएगा तो ये लोग उनको डराएं धमकाएंगे और किसी को भी मार देंगे और उसके बाद मामले को दबा लेंगे। कितना घमंड है, दोनों मामलों को इनको ऐसा लग रहा था कि ये दबा लेंगे, लेकिन अब ये इस मामले को नहीं दबा पाएंगे और इसमें बड़े बड़े नाम अब सामने आएंगे। सीबीआई को रोहन रॉय, जिसको मुंबई पुलिस ने छुपा रखा था, अर्णव गोस्वामी ने चीख चीख कर ये कहा कि रोहन रॉय को मुंबई पुलिस ने छिपाया हुआ है, रोहन रॉय को मुंबई पुलिस ने भगाया है और मुंबई पुलिस ही इस पूरे मामले पर पर्दा डालने की कोशिश कर रही है। लेकिन अब परमवीर सिंह, जो तुम्हें लग रहा था कि तुम मामले को दबा लोगे, अब तुम नहीं बचोगे। सीबीआई को रोहन रॉय की लास्ट लोकेशन मिल गई है और अब उनको सीबीआई समन भेजने वाली है पूछताछ के लिए। परमवीर, आपके मन में चोर था और इसीलिए आपने इस मामले को दबाने की कोशिश की। मुंबई पुलिस पर जो सवाल खड़े हो रहे हैं, अब उसका जवाब मुंबई पुलिस को देना होगा। परमवीर सिंह, तुम्हारे हाथ से अब ये केस भी निकल गया है। ये जो मालवाड़ी पुलिस स्टेशन का ये केस था, तुम्हें लग जब तक मेरे हाथ में ये केस है कुछ भी नहीं होने दूंगा, लेकिन अब ये केस भी सीबीआई को चला गया है। अब बेबी पेंगुइन और पापा पेंगुइन दोनों बेनकाब होंगे, क्योंकि शीशा कितना भी कमजोर क्यों ना हो, वो सच दिखाने से नहीं डरता। वहीं पर अर्णव गोस्वामी ने खुला चैलेंज उद्धव ठाकरे को दिया। उन्होंने कहा कि आप क्या कह रहे थे, धमकी क्यों दे रहे थे कि 500 केसेस आपके खिलाफ खोल दूंगा। मेरी जो लाइफ है, मेरी जिंदगी खुली किताब है। मैं मुंबई एक सूटकेस में कपड़े, 2-4 जोड़ी कपड़े रखकर यहां पर आया था और उसके बाद जनता का प्यार मिला है जो यहां तक मैं बैठा हुआ हूं। 500 केस खोलने की धमकी मुझे मत दो, जनता का साथ है और बेनकाब करता रहूंगा। इससे चाहे पापा पेंगुइन बेनकाब हो या फिर बेबी पेंगुइन बेनकाब क्यों ना हो, होने दो। मुंबई पुलिस रोहन रॉय का ठिकाना जानती है, किसने छुपाया, किसने भगाया, ये जनता जानना चाहती है। और अब जल्द ही इस बारे में अर्णव गोस्वामी ने कहा कि खुलासा करूंगा, मेरे पास अब कई अहम सबूत हैं और इस पूरे मामले पर हम जांच कर रहे हैं और उसके बाद बड़े बड़े खुलासे करूंगा। वहीं पर उन्होंने ये कहा है कि जिस तरीके से 100 नंबर पर कॉल करती है दिशा साल्यान, उसके बाद भी मुंबई पुलिस उनकी मदद के लिए नहीं आती है, लेकिन किस तरीके से मुंबई पुलिस जो पुराने मामले हैं, अध्ययन सुमन ने जो कंगना रनौत के बारे में कहा, उसको निकालकर किस तरीके से एफआईआर दर्ज करती है, वहीं दिशा साल्यान के जो मौत होती है उसको दबा दिया जाता है। आप सोचो कि अगर रोहन रॉय और वो लिव इन रिलेशनशिप में रह रहे थे और उसके बाद भी एक बार भी उनसे पूछताछ नहीं हुई, जब नितेश राणे ने इतना बड़ा बड़ा खुलासा किया, अभी भी मुंबई पुलिस हाथ पर हाथ रख बैठी हुई है, आखिर क्यों वो पूछताछ नहीं कर रही, आखिर क्यों वो एफआईआर दर्ज नहीं कर रही है। वहीं पर दिशा साल्यान मामले में एक बड़ा खुलासा हुआ है, जो फॉरेंसिक एक्सपर्ट ने बताया कि दिशा साल्यान जो ऊपर से गिरती है, एक चोट तो वो है, दूसरी चोट उनको पहले आधे घंटे पहले उनको लगी, यानी कि किसी ने उन पर अटैक किया और उनको पहले से ही मारा गया, उसके बाद उनको ऊपर से नीचे फेंका गया। इसको लेकर अर्णव गोस्वामी ने सीधा सवाल शिवसेना के प्रवक्ता से पूछा और इस पर शिवसेना के प्रवक्ता जवाब नहीं दे पाए। वहीं पर अर्णव गोस्वामी ने कहा कि क्या किसने दिशा साल्यान को मारा, बेबी पेंगुइन ने मारा या फिर उनके दोस्तों ने मारा। सीधा अब पलटवार अर्णव गोस्वामी ने किया है और ये बहुत बड़ा पलटवार जो उन्होंने किया है, क्योंकि लगातार महाराष्ट्र सरकार पत्रकारों की आवाज दबाने के लिए
किस तरीके से नोटिस भेजा जा रहा था, टीम को गिरफ्तार किया जा रहा था। वो मुंबई पुलिस जो मूक दर्शक बनी रही पालघर की घटना में, वो मुंबई पुलिस जिसने सुशांत सिंह राजपूत मामले में एक भी FIR दर्ज नहीं किया, वो मुंबई पुलिस जिसने दिशा साल्यान की मदद नहीं की, दिशा साल्यान के मामले में रोहन रॉय को किस तरीके से भगा दिया गया, वो मुंबई पुलिस जो हर मामले पर नाकाम रही, वो किस तरीके से अर्णव गोस्वामी के खिलाफ FIR दर्ज करती है, वो मुंबई किस तरीके से अर्णव गोस्वामी को बिठाकर पूछताछ करती है, वो मुंबई पुलिस किस तरीके से पत्रकारों को गिरफ्तार करती है, बाकी मामलों में वो मौन क्यों रहती है, बाकी मामलों में वो कहां पर छुप जाती है और रोहन रॉय को उसने क्यों छुपाया हुआ है। रोहन रॉय को अब CBI समन भेजेगी और उसके बाद पूछताछ होगी और दिशा साल्यान की मृत्यु की जो मिस्ट्री है वो अब खुलेगी और इसी के साथ सुशांत सिंह राजपूत की मौत का भी बड़ा खुलासा होगा और पूरे देश की जनता, पूरी दुनिया अब इसके इंतजार में है और जल्द ही बड़ा खुलासा होगा क्योंकि इस मामले में CBI जांच कर रही है, SCB जांच कर रही है और ED जांच कर रही है और इसी के साथ इन्वेस्टिगेशन रिपब्लिक भारत भी कर रहा है क्योंकि रिपब्लिक भारत ने किस तरीके से तार जोड़े कि कहां से क्या क्या चीज़ रिलेटेड है और आज जो कुछ भी खुलासा हो रहा है इसमें एक बड़ा योगदान रिपब्लिक भारत और अर्णव गोस्वामी का रहा है। तो अब इस पूरे मामले में आप भी अपनी राय दे सकते हैं, कमेंट करके ज़रूर बताएं। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लें ताकि हर अपडेट आप तक पहुंचती रहे। धन्यवाद।